हेलो एवरीवन, कल की वीडियो में जब मैंने ये कहा कि एम्प्लॉयमेंट अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, ये सुन के मेरे दोस्त आयुष का मुझे कॉल आया और उसने कहा कि उसे फिर भी एग्ज़ाम्स देना है। मैंने पूछा क्यों, तो उसने मुझे कहा कि उसके फादर का वेल सेटल बिजनेस है, तो फिर क्यों नहीं। ओके हाँ, पर देन वाई यू परस्यूइंग अ डिग्री मैन इफ यू हैव एवरीथिंग सेटल्ड अप। तो ही सेड इट विल बी नेपोटिस्टिक ना। ओके ओके, सो इट्स फाइन या यू हैव टू परस्यू डिग्री, नो नीड टू ग्रो अप योर स्किल्स मैन, दैट्स फाइन। और हाँ, वीडियो देखने के बाद तो अनिकेत का भी कॉल है। अनिकेत ने कहा कि ही इज़ लिविंग हिज जॉब। मैंने कहा वाई यू लिविंग योर जॉब, देखे बिकॉज ऑफ एग्जाम्स ना, सो वाई डिड यू स्टार्टेड, देखे जस्ट टू बी सपोर्टिव, एज लाइक एम्प्लॉयमेंट अनलॉक नहीं हुआ है, सो टू बी सपोर्टिव टू योर फैमिली ही हैड स्टार्टेड द जॉब, सो वाई यू लिविंग इट नाउ। अब क्या होगा फिर आपकी फैमिली का बाद में। तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम्स के बाद, डिग्रीज के बाद आई गेट अ जॉब। तो फिर मुझे फ़ोन करके क्यों परेशान कर रहे हो, वाई आर वरिंग जस्ट बिकॉज अ रीसेंट NDTV रिपोर्ट सेज के जुलाई में 50 लाख से भी ज़्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं और अप्रैल से अभी तक 1.89 करोड़ लोग जॉबलेस हो चुके हैं। ओ दैट्स वॉट यू आर वरिंग अबाउट।